दोस्तों, आज हमारी मौजूदगी है कामा विधानसभा के अंदर और हमारे साथ आज एक खास मेहमान का इंटरव्यू है। आप वीडियो में देखकर समझ गए होंगे। ये वही दलशेर है जो पिछले दिनों, आपके लिए बता दें, अजरुद्दीन पहत कजाकिस्तान से चैंपियन बनकर लौटे थे। ये उसी के चचा जी हैं। आज इनसे खास बातचीत करते हैं। नेताजी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत खैर मकदम है हमारे न्यूज़ चैनल पर। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। अच्छा जी, पिछले दिनों आपने एक पोस्ट वायरल हो रही थी बराबर कामा विधानसभा के खासकर युवाओं की फेसबुक आईडी पर, कि आपने जो है कि मदद की थी किसी घर पर जाकर, जो मकान के गिरने से उनकी दो, एक शायद औरत है उसकी बच्ची, उसकी मौत हो चुकी थी, वहां आपने मदद की। लेकिन चलिए, वहां तो आप हर एक इंसान मदद करता है, लेकिन हम बात कर लेते हैं आज की। आज हमने एक पोस्ट देखी कि आप जो है देश के आजादी का जो जश्न मनाने के लिए आप शायद जी कंचन नियर पहुंचे थे, जी जी और वहां से एक पोस्ट वायरल हो रही है कि आपने वहां शायद जो बच्चे होते हैं, बच्चियां जो हैं स्कूल की, वो अंधेरे में खाना खा रही थी, कुछ ऐसा उस पोस्ट पे लिखा हुआ था, तो आपने तुरंत उनको देखते हुए आपने 52,000 रुपए की घोषणा की थी। ये कहां तक सच है, कहां तक अफवाह है? जी मैंने वहां 52,000 की घोषणा की थी। वहां मैं गया था, स्कूल की तरफ से मुझे इनवाइट किया गया था। अच्छा। स्टाफ के लोगों ने मुझे बताया यहाँ लाइट की समस्या के कारण लाइट छोड़ जाती है तो बच्चे अंधेरे में खाना खाना पड़ता है, इसलिए मैंने उस समस्या का समाधान, और भी छोटे इन्वर्टर भी था और भी छोटी मोटी समस्या थी, 52,000 रुपये की मैंने घोषणा की और मैंने वो 52,000 दे दिए दे उनको, है दिए। ना? जी। ठीक है। तो आपसे अगला सवाल ये है कि अक्सर जो ये मदद करते हैं लोग, कहते हैं कि ये सिर्फ चुनाव के लिए करते हैं, लेकिन चुनाव का तो अब लगभग 5 साल पूरे बचे हुए हैं और जी। आप अभी भी जनता की सेवाएं कर रहे हैं, तो आप किस लिए सेवा करते हो, कहीं क्या वजह है इसमें जो जो आप? कंचन नेयर कॉलेज है, जो स्कूल है, वहां पे मैंने देखा है, वहां पे जितने भी बच्चे बच्चियां हैं, वहां पे वो बच्चियां गरीब लोगों की बच्चियां हैं, और वहां पे उन बच्चियों को मैंने, उनका हाल देखकर मैंने वो 52,000 की घोषणा की है, ना कि कोई चुनाव की, कोई राजनीति की कारण की है। उन बच्चों की हालत देखकर मैंने वो वहां वो 52,000 रुपए के योगदान दिया है। हम सबकी दुआएं आपके साथ रहेंगे कि आप ऐसे ही गरीब और मजलूम की मदद करते रहें, आवाज उठाते रहें। लास्ट सवाल आपसे ये है कि आप कामा विधानसभा के अंदर बराबर बने हुए हैं और मेहनत कर रहे हैं और लोगों के पास जा रहे हैं, लेकिन लोगों से जो आपको प्यार मोहब्बत मिल रहा है और आपने भी एक लकब कमाया है लोगों से कि आप समाज सेवी हो, तो यकीन आप समाज सेवी हो, हम भी ये कहते हैं कि आप समाज की सेवा कर रहे हो, तो आपको कैसे फील हो रहा है कि आप समाज की सेवा कर रहे हो? समाज सेवी में राजनीतिक जो है, जो मैं 6 महीना से 6 महीना 1 साल के लगभग मैं यहाँ सक्रिय हुआ हूँ। पहले से ही मेरा पिताजी हाजी जहूर खां हर गरीब की मदद करते थे, और हमारा परिवार है जो हम शुरू से ही गरीब लोगों की मदद करते थे। ये राजनीति से अलग हटकर हम फिर भी हम जो समाज की, जो हित की बात होती है, हम पहले से ही करते थे उसके लिए। अच्छा नेताजी, ये क्या वजह है कि आप अक्सर चर्चाओं में रहते हैं कामा विधानसभा के अंदर? बात कर लेते हैं आपके भतीजे की, वो हाल ही में कजाकिस्तान से चैंपियन बनकर लौटे, तब भी यहाँ आपकी चर्चाएं हो रही थी, आज भी कामा विधानसभा के अंदर आपकी चर्चाएं हो रही है। कंचन नीर की हमारे सारे पत्रकारों ने पोस्ट देखी, देखते ही तुरंत आपके पास चलाए, तो इससे आप क्या मैसेज देने चाहोगे आवाम के लिए? मैं तो खासकर कामा विधानसभा क्षेत्र के युवाओं को और बच्चों को ये मैसेज देना चाहूंगा कि हमारे कामा विधानसभा क्षेत्र के बच्चे शिक्षा की तरफ जाएं और शिक्षा हासिल कर ऊंचाइयों को छुएं। हमारे यहाँ बच्चों में टैलेंट की कमी नहीं है, हमें एक जुनून पैदा करना चाहिए और हमें जज्बा पैदा करना चाहिए कि हम शिक्षा की ओर जाएं और शिक्षा को प्राप्त कर हम ऊंचाइयों को छुएं। और बहुत सारी फील्ड हैं हमारे यहाँ, जैसे वेट लिफ्टिंग में मेरा भतीजा अजरुद्दीन ने गोल्ड मेडल जीता है कजाकिस्तान में, और भी हमारा मेवात क्षेत्र के जैसे सहबाज है, और भी बहुत सारे लड़के हैं, और भी हमारे देश में जो बड़े बड़े गोल्ड मेडल जीते हैं, विनाश फोगाट है, मनु भाकर है, और भी हमारे हमारा देश का नाम रोशन हो। हमारा देश का नाम तभी आगे बढ़ सकता है जब शिक्षा की ओर जाएंगे और शिक्षा का हम अपने अंदर लेकर जाएंगे।
अच्छा नेता जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। दोस्तों ये थे चौधरी दलसेर खान कामा विधानसभा से। मैं कहूँ तो इलेक्शन के मैदान में भी कूदे थे, लेकिन उन्होंने साफ बता दिया है इससे मुझे कोई राजनीति से लेने देने नहीं है, बल्कि मैं समाज की सेवा कर रहा हूँ, गरीब और मजलूम की आवाज़ उठा रहा हूँ, उनकी सेवाएं कर रहा हूँ। नेता जी बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर में आप इस वीडियो के माध्यम से क्या कहोगे अपने भाइयों को, क्या मैसेज दोगे? बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सभी भाइयों को कहना चाहूँगा, कामा विधानसभा मेवात क्षेत्र वासियों को, छत्तीस बिरादरी के लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि आप शिक्षा और शिक्षा पर ज़्यादा ध्यान दें और भाईचारा बना कर रखें, और तभी हमारा मेवात आगे बढ़ेगा। जब शिक्षा हम प्राप्त करेंगे तो मैं तो खासकर शिक्षा की बात करूंगा, और शिक्षा से हम ही हर ऊंचाई को छू सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। अगर आप हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज हमारे साथ एक खास मेहमान थे चौधरी दलसेर खान कामा विधानसभा से।